हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ स्टॉक्स की एंटायर लिस्ट निकाल सकते हो फ्रॉम द चार्टिंग प्लेटफॉर्म एंड अपलोड इट इन द ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म एंड मेक अ एंटायर वॉच लिस्ट ऑफ द सेम, राइट। तो अभी आप जो स्क्रीनर देख रहे हो, ये है न्यू आईपीओ लिस्टिंग्स का स्क्रीनर जो मुझे ट्विटर पे किसी हैंडल पे मिला था। तो मैंने इस स्क्रीनर को बेसिकली रन किया और देखा कि इसमें काफी सारे आपको जो आईपीओ न्यूली लिस्टेड आईपीओ स्टॉक्स है सभी मिल जाते हैं। तो मैंने इसको रन करने के बाद में मुझे एक एंटायर लिस्ट मिलती है। तो मैं इसमें बैकटेस्ट सिस्टम में 15 साल तक के न्यूली लिस्टेड आईपीओ स्टॉक देख सकता हूँ। बट फॉर मी इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मुझे चाहिए कि मुझे 1 साल तक के ही स्टॉक चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको डाउनलोड सीएसवी कर दिया। डाउनलोड सीएसवी करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको गूगल शीट्स में इस शीट को अपलोड करना है, राइट। अपलोड करने के बाद में मैंने बेसिक फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया डाला है कि फिल्टर द स्टॉक्स बाय द डेट, सो डेट इज इन द पास्ट ईयर, राइट। तो फिल्टर बाय कंडीशन डाला, डेट इज इन द पास्ट ईयर। एंड जैसे ही मैं ये डेट इज इन द पास्ट ईयर डालता हूँ, तो लास्ट ईयर 2023 में, 2023 में जो भी स्टॉक्स लिस्टेड थे उन सभी स्टॉक्स की मुझे इधर एंटायर लिस्ट मिल गई। अब मुझे इधर एंटायर स्टॉक्स की लिस्ट मिल गई और इसमें कुछ आते हैं मेरे हिसाब से 500, 400, 500 स्टॉक के आसपास की लिस्ट हो गई है। तो ये मेरी इनिशियल वॉच लिस्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, इधर एक बेसिक फॉर्मूला ऐड करना है कि आपके ये स्टॉक्स डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू में कैसे ऐड हो सकते हैं। तो मुझे कॉनकैटिनेट टूल का इस्तेमाल करना है। तो मैं इधर टाइप करूंगा इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट और इनिशियल कंडीशन रहेगी एनएसई। राइट, ये मैंने डाल दिया। फिर मुझे यूज करना है कॉमा का। कॉमा यूज करने के बाद में मैं सिलेक्ट करूंगा सिंबल को और मेरा एनएसई हाइब्रिड फाइनेंस बेसिकली ये आ गया। अब ये हमारा एक फॉर्मूला हमने डाला कि ये हमारी वॉच लिस्ट का मेन स्ट्रक्चर है कि ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में हमेशा कोई भी स्टॉक को ऐड करना होता है तो वो ऐसे ही ऐड होता है। अब मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया। मुझे जहां तक ड्रैग डाउन करना है तो मैं वहां तक इसको ड्रैग डाउन कर सकता हूँ। तो ये 2023 में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है मैं उधर तक इन सबको ड्रैग डाउन कर देता हूँ, ये रहा। और 2024 भी मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने इन सबको ऐड कर दिया है। अब जैसे ही मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ, राइट, सो नाउ वी हैव मेड द कॉलम नंबर वन वेयर फर्स्टली इनिशियली वी ऐड द प्रीफिक्स ऑफ एनएससी टू द सिंबल नेम हियर, राइट। तो हमने अभी इधर देखा कि एनएससी का हमने प्रीफिक्स ऐड कर दिया है और सिंबल नेम ऐड कर दिया है स्टॉक के बाजू में। तो अभी इधर हाइब्रिड फाइनेंस दिख रहा है, तो एनएससी कोलन हाइब्रिड फाइनेंस दिख रहा है। और ध्यान रखिए कि इन दोनों में गैप ना रहे, तो एनएससी कोलन इमीडिएटली रहना चाहिए और गैप नहीं रहना चाहिए। अब हमने एक और एक डमी कॉलम बनाया है जहां पर हमें इस नाम के बाद में कॉमा रहना चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया, कॉनकैटिनेट किया, इस सेल को सिलेक्ट कर दिया और कॉमा ऐड कर दिया एंड में, और फिर हमने उसको ड्रैग डाउन कर दिया। तो अब हमारा क्या लिस्ट आएगा, एनएसई हाइब्रिड फाइनेंस कॉमा, और फिर इसको हमें नीचे डुप्लीकेट करना है। तो अभी हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया, इसको हम नीचे ड्रैग करते जाएंगे और नाम हमारे ऐड होते जाएंगे, राइट। तो मैं इसको पूरा नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब हमारी ये लिस्ट ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है जहां पर हमने ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमारे पूरे सब स्टॉक्स ऐड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे हमने एक नई वॉच लिस्ट बना दी। नई वॉच लिस्ट सिलेक्ट करने के लिए हम एक नया सेक्शन ऐड करेंगे न्यू वॉच लिस्ट का। अब इसमें क्रिएट न्यू लिस्ट, राइट, हमने ये वॉच लिस्ट बना दी। अब इसमें हमने प्लस सिंबल पर सर्च कर दिया। प्लस सिंबल पर सर्च करने के बाद में इधर हम चले गए हमारी गूगल शीट पे। गूगल शीट पे जाने के बाद में इस एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम को इस एंटायर रो को सिलेक्ट करना है। इस रो को हमने सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल सी दबा दिया। अब हमने कंट्रोल सी तो दबा दिया इसमें, अब हमें इसमें जाना है ऐड सिंबल में और पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करोगे तो लास्ट वाले नाम पे आपको कॉमा हटा देना है और फिर जाकर आपको एंटर दबाना है। आप जैसे ही एंटर दबाओगे तो हमारी आईपीओ लिस्टेड इन 2023 149 स्टॉक्स जो है वो इसमें ऐड हो चुके हैं। अब आप इन सब स्टॉक्स को वन बाय वन देख सकते हो। जैसे कि ये कौन सा है, ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे स्टॉक एक हायर हाई हायर लो वर्जन में हायर हाई हायर लो में जा रहा है।
इसके अंदर कुछ ETFs भी शायद ऐड हो जाते होंगे, तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि आप बाद में जाकर इस इन ETFs को डिलीट कर दो अपनी वॉच लिस्ट में से, राइट। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये ETF हो गया, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। साइन DLM हो गया, ये आइडिया फोर्स टेक्नो लिमिटेड हो गया, तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है। हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो एक हायर हाई हायर लो के वर्जन में ट्रेड कर रहे हैं। नाउ अगर आपको इस चार्टिंग की लिंक चाहिए तो चार्टिंग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें से कॉपी कर सकते हो। और अगर आपको ये एक्सेल शीट, गूगल शीट अगर आपको डायरेक्टली चाहिए, जहां से आप इस पूरी शीट को कॉपी कर सकते हो और डायरेक्टली जाकर आपकी ट्रेडिंग में प्लेटफॉर्म पर आप पेस्ट कर सकते हो, जिससे आपकी पूरी एंटायर शीट जो है रेडी हो जाएगी। नाउ इस केस में अगर आपको फिल्टर आउट करना है कुछ स्टॉक्स को, तो इधर फिल्ट्रेशन में आपको जाना है। नाउ अगर आप इधर फिल्ट्रेशन में जाओगे तो फिल्टर बाय कंडीशन डेट इज इन द पास्ट ईयर। अगर आपको चाहिए कि जो पिछले महीने में स्टॉक्स लिस्ट हुए उनकी वॉच लिस्ट चाहिए, तो ये देख लीजिए। ओके पे सिलेक्ट करूंगा तो अभी मेरे पिछले महीने में फिलहाल तो मुझे नहीं बता रहा है कि कौन से स्टॉक्स वॉच लिस्ट कौन से स्टॉक्स लिस्ट हुए, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा अभी के लिए। अगर मुझे ये भी स्टॉक्स चाहिए जो 2022 में लिस्ट हुए, तो मुझे उनकी भी लिस्ट मिल जाएगी इस पर्टिकुलर सीन में। अगर आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो बस स्मॉल कैप सेक्टर के हो, तो आप इसमें डबल फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया डाल सकते हो। इधर आपने वापिस से सिलेक्ट कर दिया और इधर आप वापिस से चले गए और फिल्टर ऐड कर सकते हो इसमें, बेसिकली जिससे आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स ही दिखेंगे जो पिछले साल लिस्ट हुए, राइट। इसमें अगर आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स अगर सेक्टर वाइज चाहिए, तो आप मल्टीपल फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया यूज कर सकते हो, जिससे आपको जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल सकता है इस पर्टिकुलर गूगल शीट में, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।